एक गांव में एक पिता के पांच पुत्र थे। पिता अपने अंतिम समय में मृत्यु के बड़े निकट थे। पांचों पुत्र उनकी सेवा में लग गए। एक पुत्र उनका दायां पैर, एक पुत्र उनका बायां पैर, एक पुत्र उनका दायां हाथ, चौथा पुत्र उनका बायां हाथ, पांचवा पुत्र उनका सर। बड़े प्रेम से मालिश करने लगे, दबाने लगे, उनके कष्ट को दूर करने का प्रयास करने लगे। इसको देखकर पिता बड़े प्रसन्न थे और कहने लगे, आप लोगों के इस प्रेम को देखकर मैं कितना प्रभावित हो रहा हूँ। तभी अचानक एक पुत्र के मन में भावना उत्पन्न हुई कि मैं जो कर रहा हूँ सबसे श्रेष्ठ है, और पिताजी के चरण सम्मान करते हुए कहने लगे, मेरी सेवा पिताजी को सबसे अधिक प्रिय है। तो दूसरा पुत्र कहने लगा, नहीं, मेरी सबसे प्रिय है। तो इसने पिताजी के दूसरे पैर में चिमटी काट दी। अब जोर से जब चिमटी काटी तो पिताजी चिल्ला उठे, अरे क्या कर रहे हो। तब फिर सारे पुत्रों में झगड़ा मच गया कि वास्तव में श्रेष्ठ सेवा कौन कर रहा है। तब पिताजी ने कहा, अरे भाई, आप लोग अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने में लगे हुए, लेकिन मेरा क्या, कष्ट तो मेरे शरीर को हो रहा है। अपने इस प्रधात्मक प्रवृत्ति को पूरी तरह समाप्त करो और आपसी प्रेम प्रकट करो। पुत्र पिता के इस वाणी को सुनकर अपने दोष को समझ गए और फिर उन्होंने संकल्प किया कि हम पिताजी के हर अंग को आनंद देंगे। वरम वृणीष्वम भद्रम वो यूयम मे नृपनंदन सौहार्देना पृथक धर्मस्तुष्टो हम सौहृदेन वै। भागवत वर्णन करता है, जब भगवान श्री विष्णु प्रचेतास को देखते हैं तो कहते हैं कि आप लोगों के आपसी परस्पर भाईचारे से मैं प्रभावित हो गया, क्योंकि इस प्रकार के प्रेमपूर्ण भाईचारे से युक्त सेवा और पूजा मुझे अत्यंत संतुष्ट करती है। आइए हम अपने सभी शक्ति और सामर्थ्य के साथ इस प्रकार के प्रेम भाव, सौहार्द के भाव से युक्त होकर भगवत भजन करने का प्रयास करें और जीवन को सफल बनाएं।